सो हाय गाइस, बिटकॉइन पहुंच चुका है $20,000 के आसपास, $20,000 हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने टाइम से, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इनफैक्ट वैसी ही मार्केट फिलहाल रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आई रियली कैन आस्क यू गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अभी भी हम लोगों के पास वो कैश होगा जिसके अंदर कि हम सबसे बेस्ट मार्केट का डिप बाय कर पाएंगे। अब यहाँ पे फिलहाल अगर आपने देखा होगा चार्ट के ऊपर, मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैं कौन से ऑल्ट कॉइन के अंदर बेसिकली SIP करने वाला हूँ। $16,000 के आसपास जब BTC जाता है तो मैं शायद एक SIP की एंट्री लेना चाहूँगा। बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो मेजर क्रिप्टोज या हम कह सकते हैं जो हमने क्रिप्टोज के अंदर SIP करी थी, अभी भी उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा फॉल जो है वो नहीं दिखाई दिया। मेरा हमेशा एम होता है अगर हमारे को SIP करनी है तो अगर हमने उसको $10 के ऊपर लिया है और अभी वो अगर $8.5 का चल रहा है तो दैट इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस कि जहाँ पे हम सेकंड एंट्री ले पाए। तो अगर मार्केट यहाँ से वो फ्लैश क्रैश करती है विद मैनी अदर रीजंस अदर देन माइकल सेलर, जिसको कहा गया कल की उनका लिक्विडेशन $3,500 का है, जिसको शायद मैं तो शायद नहीं मानता हूँ, लेकिन डजंट मैटर अगर उनका $3,500 है कि $5,000 है, देर आर मैनी अदर फैक्टर इन द क्रिप्टो मार्केट जो कि मार्केट को इस वक्त परेशान कर रहे हैं। एंड आप कह सकते हो ग्लोबल क्राइसिस सर के ऊपर खड़ा है सबके, जो कि मार्केट को ज़बरदस्त क्रैश करने में बहुत सक्सेसफुल रहता है हर बार, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो और इस बार के लिए चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। तो BTCMR को $12,000 देखने को मिल सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न आपने देखा होगा कि BTC $20,100-$200 की रेंज के अंदर लगभग 2 घंटे चला है। इस रेंज पे इतना बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल मेरे को जहाँ तक मैंने मार्केट को कितनी बार देखा है तो 20,100 के आसपास आते ही देर कुड हैव बीन अ जंप जहाँ पे BTC सीधा चला सकता था $20,800-$21,000 के आसपास, जो भी हमारे को देखने को नहीं मिला। यस, थोड़ी देर रहने के बाद 20,400-20,500 गया, लेकिन वो काफ़ी देर वहाँ पे स्टे रहने के बाद ही उस पोजीशन से उसने थोड़ा सा $200-$300-$400 का जंप लिया। तो आई रियली बिलीव यहाँ पे 20,000 का जोन कोई सेफ जोन नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल, और वीक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है फिलहाल। अभी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ हमारी थर्ड एंट्री, बिकॉज मेरे को ऑल्ट कॉइन के अंदर मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखाई दे रहे। अगर मेजर डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहे तो उसे बाय द डिप वाली एंट्री नहीं कही जाती। तो बाय द डिप अगर करना है तो हमारे को फिलहाल वेट करना है एक अच्छी डिप एंट्री का। तो फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, इनफैक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा मैं कौन से कॉइन्स के ऊपर SIP करूँगा नीचे लेवल पे आने के बाद। मैं आपको ये फोटो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये नोटबुक ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी सर आप कौन से कॉइन्स के अंदर फिलहाल SIP करने वाले हो, कौन से कॉइन के अंदर डिप बाइंग करने वाले हो, वो मैं आपको शेयर करूँगा। साथ ही साथ BTC अगर ये 12,000 से 14,000 की रेंज में आता है, आई विल बी बाइंग बिटकॉइन एज वेल एंड आई विल बी बाइंग इथेरियम एज वेल एंड इवन आई विल बाय सम BNB एज वेल। मैंने अपनी लिस्ट के अंदर कभी भी आपको बिटकॉइन, इथेरियम या BNB कभी भी बाय करने को नहीं कहा, किसी भी SIP में आपने शायद इसको नोटिस किया हो तो, लेकिन इस SIP में मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव नाउ इट इज़ अ टाइम जहाँ पे हम दोबारा से एक एंट्री ले सकते हैं। पूरी मार्केट इस वक्त हम अगर फियर फैक्टर की बात करें तो मार्केट का जो फियर लेवल है दैट इज 7 out of 100, जो कि आज तक शायद कभी नहीं देखा। तो इतने जब फियर आ जाता है मार्केट के अंदर, और जब ऑल्ट कॉइन, सबसे बड़ी निशानी बता रहा हूँ, जब ऑल्ट कॉइन इतना गिर चुकी होती है, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, बहुत सारे कॉइन अगर आप पकड़ोगे तो वो मार्केट में क्रैश आ रहा है लेकिन वो ऑल्ट कॉइन नीचे नहीं गिर पा रहे बिकॉज जितने भी उसके होल्डर्स हैं, जितने भी उसके इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी उनको लेस प्राइस के ऊपर बेच चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं, लॉस बुक कर चुके हैं, या तो अब वही लोग बचे हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड्स है और जो कि इसको 2024-25 से पहले नहीं बेचेंगे एट वट एवर हैपन, चाहे वो जीरो हो जाए या वो उनको मल्टीपल एक्स दे, उनका सिर्फ यही थॉट है, या उनकी टीम के पास ही फिलहाल टोकन बचे हैं। तो इसीलिए अभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत बड़ा अपडंप देखने को बंद हो चुका है बिकॉज देर आर वेरी लेस पीपल नाउ लेफ्ट विद द होल्डिंग ऑफ दोज टोकन। तो मार्केट में जब टोकन ही नहीं होंगे तो बिकेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो हम लेवल पे एंट्री लेंगे, जो कि 13,000 से लेके 12,000 से लेके 16,000 के बीच में अगर आपको ऑल्टकॉइन की थर्ड एंट्री लेनी है, जो कि हमने लेनी थी 22,000 के करीब, वो हमने शिफ्ट करी 16,000 के करीब, बहुत पहले आपको बता दिया क्योंकि मार्केट का सिनेरियो और बुरा लग रहा था मेरे को।
तो जो कौन से कॉइन में एंट्री मैं ले रहा हूँ मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवर भी कर जाए, मार्केट ऊपर भी जानी स्टार्ट कर जाए, तो अगर आपको वो ग्रीड आ रहा है दिमाग के अंदर तो अगर आपको ऐसा भी करनी है अभी से आप कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। मैं कहाँ कर रहा हूँ मैं उसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया और मार्केट यहाँ से रिकवर कर गई, आई विल नॉट रिग्रेट अबाउट इट, बिकॉज मेरे पास दो एंट्री है जो कि मैं मेरे लिए अभी मैंने अगर डॉट में 7.5-7.75 के ऊपर एंट्री ली थी, और अगर डॉट कॉइन $7 चल रहा है, इट इज़ नॉट अ डम्प, इट इज़ नॉट अ डिप जिसके ऊपर मैं दोबारा पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर वो $5 आ जाए, 5.5 आ जाए, तो मैं सोच सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ उसके ऊपर दोबारा एंट्री लेने का। दैट इज़ वाई मैंने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं सभी टोकन्स के। रीजन बीइंग फ्लैश क्रैश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब वो फ्लैश क्रैश आएगा और BTC शायद $16,000 पहुँच जाए, शायद $12,000 पहुँच जाए, वहाँ पे ये टोकन्स उन लेवल्स पर पहुँचेंगे और सडनली वहाँ से रिकवर भी कर सकते हैं। तो $4, $4.5, $5 पर मैंने डॉट की बाइंग लगाई है, ऐसे ही मैंने बहुत सारे बाइकोनॉमी की लगाई है, ऐसे ही मैंने FTT की लगाई है, ऐसे ही मैंने बिटकॉइन की खुद की लगाई है, और ऐसे ही मैंने इथेरियम की लगाई है, ऐसे ही मैंने BNB की भी बाइंग लगाई है। चलते हैं नोटबुक में, जान लेते हैं कौन से है वो कॉइन्स। कुछ है मेजर क्रिप्टोज और कुछ है हमारे लो कैप मेजर क्रिप्टो, जो कि बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर और आने वाले टाइम में कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए, और बड़े हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट। उनकी जरा मैं आपको स्नैपशॉट फोटो दिखा देता हूँ, सो दैट द थिंग्स गेट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन कमेंट में करना मत भूलिएगा, आपका क्या हाल चल रहा है क्रिप्टो के अंदर वो भी बताना मत भूलिएगा, कितना सेफ है आप लोग, कितनी आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया वो भी बताना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो भी बताना मत भूलिएगा। और आपको बार बार बोलना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, हो सकता है BTC अब तक हमारी सारी प्रेडिक्शन अगर सही रही है, शायद ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए, BTC उसके भी बहुत नीचे चला जाए, तो डोंट जस्ट इन्वेस्ट ऑन माई वर्ड्स, ऑलवेज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। और क्रिप्टो के अंदर हमेशा मान के चलिएगा, क्रिप्टो के अंदर जो भी पैसा लगा रहे हैं वो या तो जीरो हो सकता है या मल्टीपल एक्स हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका है। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनी फीस, सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेक श्योर ड्यू डिलिजेंस अपनी खुद की करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अब चलते हैं जरा नोटबुक पर और जान लेते हैं कौन से है ये कॉइन्स जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। सो गाइस, ये नोटबुक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखाया था, जो मैं SIP मेजर क्रिप्टोस पे कर रहा हूँ उनका नाम है Polkadot, सेकंड मैं कर रहा हूँ FTT, थर्ड मैं कर रहा हूँ माना, फोर्थ मैं कर रहा हूँ सोल, जिसको मैंने फिलहाल अब एंट्री लेने से, मैं उसके ऊपर एंट्री एक भी नहीं ले रहा, मैंने लास्ट एंट्री शायद ली थी लगभग $40 के आसपास, मैं फिलहाल उसके ऊपर कोई भी एंट्री ना लूँगा चाहे वो किसी भी लेवल पर चला जाए, एक ही एंट्री ली है और उसके बाद उसको एंट्री नहीं ले रहा हूँ। फिफ्थ मैं ले रहा हूँ नियर के ऊपर एंट्री, जो कि मैं लूँगा जब और नीचे आ जाएगा, LRC यानी कि लूप रिंग, सेवन्थ इज थेटा एंड एट्थ इज मैटिक, इनका मैं वेट करूंगा 2024-25 की साइकिल के अंदर बढ़िया से परफॉर्म करने का। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो उसका नाम है SIP लो कैप मेजर क्रिप्टोज, यानी कि वो प्रोजेक्ट जिनके अभी फिलहाल इतने हाई मेजर कैप नहीं है वो, और बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उनके ऊपर मैं करने वाला हूँ SIP, वो है बाइकोनॉमी, सेकेंड इज ओशियन, थर्ड इज एवा, फोर्थ इज वैक्स, फिफ्थ इज मूवर, सिक्स्थ इज रारिबल का रारी टोकन, सेवन्थ इज किल्ट, एट्थ इज गाला, नाइन्थ इज बिट। तो ये सारे टोकन हैं जिनके ऊपर मैं फिलहाल SIP करूँगा लो कैप मेजर क्रिप्टोस के अंदर। आई होप ये वीडियो और हमारी एंट्रीज मार्केट की बेस्ट एंट्रीज रहे और हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। एंड दीज एंट्रीज आर टू होल्ड, दीज आर नॉट टू टेक प्रॉफिट, जहाँ जिसके ऊपर मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा 2024-25 तक, और वेट करूंगा मार्केट को एक जबरदस्त प्रॉफिट देने का। और अगर बीच में कुछ चेंजेस होंगे स्ट्रेटजी के ऊपर, आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट ऑन द चैनल इटसेल्फ। और मेक श्योर करो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पे मैं क्विकली अपडेट दे पाता हूँ, अगर कहीं बार वीडियो ना बनाई जाए तो वहाँ पे जल्दी से अपडेट दी जाएगी, तो उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।